अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। बेटा आज हम हरूफ थजी का एक नया हर्फ दो चश्मी है की पढ़ाई करेंगे। दो चश्मी का मतलब क्या है? दो चश्मी मतलब इसकी दो आंखें होती हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी आंखें कैसी होती हैं। अपनी किताब का सफ़र नंबर बेटा 55 खोलिए। ये हमारा क्या है? दो चश्मी है, दो आंखें हैं, एक बड़ी और एक छोटी है इसकी आँख। ये बड़ी है और ये इसकी छोटी आँख है। इसको हम दो चश्मी यानी कि इसकी दो आँखें हैं, इसलिए दो चश्मे हे पढ़ते हैं। पीछे हमने गोल हे पढ़ा था क्योंकि वो गोल होता है। अब देखते हैं इसे कौन कौन सी तस्वीर शुरू होती हैं। दो चश्मे है इसे घड़ी जो आप पहनते हैं अपनी कलाई में। दो चश्मे है इसे ढोल। दो चश्मे इसे झूला। दो चश्मे इसे भालू। अब बेटा आपने महसूस किया होगा ये किसी भी हर्फ के शुरू में नहीं आ रहा, हमेशा ये दरमियान में आता है। और जब ये किसी भी हर्फ के साथ मिलकर ही आता है हमेशा, और जब किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर आता है बेटा तो हमेशा इसकी आवाज़ भारी होती है। क्या होती है? भारी। आप अपने मुंह के करीब अपनी हथेली को लेके जाएं और पढ़ें ह, तो आवाज़ ज़ोर से आपके हाथ पे लगेगी। इसी तरह अगर घड़ी पढ़ेंगे तो घ, देखिए आवाज़ अभी भारी हुई, घड़ी। ढो ढो, अब आवाज़ क्या आ रही है? भारी आवाज़ निकल रही है। ढो ल, झू, अब देखें झू, इनकी आवाज़ भारी निकल रही है, एकदम भारी आवाज़। झू ला भा लू। तो जो दो चश्मे ही है बेटा, इस ये किसी भी हर्फ के दरमियान में आता है, इससे कोई भी हर्फ शुरू नहीं होता, और हमेशा इसके साथ जब भी कोई हर्फ ये किसी की हर्फ के साथ आता है तो आवाज़ भारी होती है। अब आपने इसके ऊपर बेटा पेंसिल फेरनी है, नुक्ते से शुरू करना है, बिल्कुल आसान है। देखें नुक्ते के ऊपर 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 दाल की तरह हम आगे जाएंगे, गोल करके यहाँ से हल्का सा यहाँ पे तिरछा बेज भी सा होगा, ऊपर ऊपर और वापस नुक्ते के पास और गोल कर देंगे इस तरह से। अपना सफ़र नंबर बेटा 104 चाहिए। अब इस पर हम देखते हैं लिखाई। पहले आपने बेटा इसके ऊपर इसी तरह से करना है। अब इसको बगैर नुक्ते से लिखने का तरीका सीखिए, और आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैं अब आपको सिखा रही हूँ। देखें दाल बनाएं, दाल बना दी, या फिर ककब जैसे आप इंग्लिश में बनाते हैं बेटा वैसे बनाएं। अब आपने यहाँ से गोल नहीं करना वरना गलत होगा। आगे जाएंगे आप, ये चीज़ छोटी और ये चीज़ बड़ी, ये चीज़ आपने लाजमी बड़ी ही करनी है। ऊपर इस तरीके से यहाँ से, अब इसके अंदर से इस तरह क्रॉस करने हल्का सा आगे, लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये बन गया दो चश्मे है। दोबारा देखें नुक्ते से नीचे दाल की तरह आगे, ज़्यादा नहीं जाना, अगर ज़्यादा जाएंगे तो भी फॉर्मेशन गलत होगी। थोड़ा सा आगे जाएंगे आप नुक्ते के पास इस तरह से, और बीच में से क्रॉस कर देंगे, दो चश्मे है। अब बेटा आपका जो घर का काम है, आप लोगों ने सफ़ा नंबर 105 और 106 मुकम्मल करना है। दो चश्मे है की सही फॉर्मेशन के साथ लिखाई करनी है, भालू और घड़ी में अच्छे से रंग भरने हैं, और दो चश्मे से शुरू होने वाली तस्वीर की पढ़ाई करनी है, और अपना होमवर्क हमें ग्रुप में भेजना है। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।